बल्कि अगर आप लोग अच्छा एक सेटअप बिल्ड कर लें तो आप ये बात जो है हजारों से लाखों पे भी जा सकती है। बस जस्ट यह कि काम आप लोगों ने सीखना है, उस काम को जस्ट सीख के एक दफा सीखने उसके बाद सारी जिंदगी आप लोग घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अब इस मशीन की खूबी यह है कि इसके लिए कोई ऐसा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान, बच्चा बूढ़ा, घर बैठे लड़कियां, आम खातिन, मैरिड अनमैरिड सब लोग ये काम कर सकते हैं। बस मेहनत की जरूरत है, स्टार्टिंग में जस्ट मेहनत की जरूरत है कि आप लोग ये जस्ट काम, मेहनत भी नहीं है ऐसा, बस ये इनको यूज कैसे करते हैं वो आपको टिप्स आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके आज पर क्लिक कर देंगे तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा। और उसका फायदा क्या होगा कि यहाँ मैं बिजनेस से रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग, ऑफलाइन अर्निंग मुख्तलिफ टिप्स यहाँ बताता रहता हूँ। मे भी आपको कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाए, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इस मशीन के सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जस्ट आपका पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम बिजनेस से भी आप हजारों से लाखों में जा सकते हैं। उसके बाद बाकी जो टाइम आपके पास बचेगा वो आप लोग की कोई और बिजनेस कर लें, कोई और जॉब कर लें, या फिर आप लाइफ एंजॉय करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने करना क्या है। अब ये मशीन आपके एज एन बेटर यूज होगी कि आपकी जिस तरह एग हैचिंग मशीन होती है, जहाँ उस तरह की एक मशीन है यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इसमें जहाँ इस मशीन में आप लोगों ने एग रखने। अब ये मशीन आपको मार्केट से 2500 से 3000, 5000, 10000, 15000 मोस्टली फेयर में आपको मिल जाती है। जो सबसे सस्ती है वो आपको 2500-3000 में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है कि आपने जस्ट यहाँ पे इस बॉक्स में अंडे रखने होते हैं और 21 दिन के बाद वो अंडों से चूजे निकल आते हैं। जस्ट आप लोगों ने सीखना क्या है कि आप लोगों ने इसमें अंडे कैसे रखने हैं और देन उसकी केयर कैसे करनी है। अब इसमें भी मुख्तलिफ मशीन आपको मिल जाती है, कुछ मशीन में सेंसर लगे होते हैं कि वो आपको ऐसा केयर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने एक दफा अंडे रख दिए, उसके बाद अंडों के साथ क्या करना है वो मशीन जाने, ठीक है। आपको ऐसा कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अंडे किस टाइम हिलाने हैं, वहां पे पानी कितना होना चाहिए, वो सारा कोई मशीन पहले से प्रॉपर आपको एक दफा जैसे काम करने की जरूरत है, उसके बाद 21 दिन काम करने की आपको जरूरत नहीं है। 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खुद से वहां से चूजे निकल आएंगे। और इस मशीन का रिजल्ट भी तकरीबन 90-95% है कि अगर आपके एग्स जो है वो ठीक है, फर्टाइल एग्स हैं, तो वहां से चूजे निकल आते हैं। यहाँ में के नुकसान का खतरा जो है बहुत कम है। बस यह है कि आपने जो जहां से अंडे लिए हैं वो बंदा काबिल एतबार होना चाहिए। अब इसमें काम क्या करना है कि अगर आप सिंपल एक मशीन लेते हैं जो कि आपको 2500-3000 की मिलती है, तो इस मशीन में सेंसर नहीं लगे होते, क्योंकि जब सस्ती मशीन आप लेंगे तो थोड़ा बहुत काम आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो 2500-3000 रुपए की आपको मशीन मिलती है ना, इसमें सेंसर जब नहीं लगा होगा तो डेली आपको एक दो दफा अंडे हिलाने पड़ते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो वो आप जहाँ पे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे मैं इंक्यूबेटर का आई थिंक वीडियो बनाई हुई है, अपलोड किया है नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो आप लोग बाकी यूट्यूब से भी सीख सकते हैं कि इंक्यूबेटर कैसे आप लोगों ने यूज करना है। जरा मुश्किल नहीं है, जैसे आप लोगों ने अंडे रखने होते हैं तरतीब बाई, उसके बाद दिन में अगर आपने मीन के जो डाउन साइड थी उसको अप कर देना होता है और दूसरी दफा आपने जो अप साइड थी उसको डाउन कर देना होता है, जस्ट थोड़ा बहुत हिस्सा हिलाना होता है। इसके अलावा पानी की एक प्लेट होनी चाहिए ताकि थोड़ी बहुत नमी वहां पर बरकरार रहे उस मशीन, उस जो भी बॉक्स है उसके अंदर। तो ये दो तीन टिप्स हैं जो आप समझने के तरीके हैं जो कि आपको पता होना चाहिए ताकि अंडे जो है आपके खराब ना हो। तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, मीन के 5 मिनट का काम है आपका, ठीक है। ये जस्ट यह है कि सस्ती मशीनों के अंदर है, अगर आप थोड़ी सी महंगी 5000 की मशीन ले लेते हैं जो छोटी मशीन है, तो उसमें सेंसर ऑटोमेटिकली पहले से लगे होते हैं। अब वो क्या है, सेंसर ऑटोमेटिकली खुद से वो अंडों को हिलाते रहते हैं और आपको फिर वो जो थोड़ी बहुत मेहनत थी वो भी करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि जो आपके माइंड में भी सवाल आ रहा होगा, 3000 वाली मशीन और 10000 वाली मशीन और 15000 वाली मशीन में फिर फर्क क्या हुआ। तो फर्क जैसे यह है कि उसकी कैपेसिटी जो है उसमें फर्क आ सकता है कि जो 3000 वाली मशीन है उसमें आपको मे बी 35 से 40 अंडे वहां पे एट अ टाइम रख सकते हैं, और जो 10000 मशीन है उसमें आपके 150 से 200-250 तक अंडे आ सकते हैं। अब उसका फायदा क्या होगा कि आपने अगर तो 3000 वाली मशीन ली, आपने एक दफा अंडे रख दिए, तो अंडे रखेंगे जब आप लोग तो 21 दिन तक आप वो
मशीन जो है उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंडे रखती है 21 दिन तक आपके वो एग जो है वहां पड़े रहेंगे, और 21 दिन के बाद वो एग से चूजे निकलना स्टार्ट होंगे। तो 21 दिन में जस्ट आप लोगों के पास, 21 दिन के बाद आपके पास 35 से 40 चूजे जो है वो आ जाएंगे, और उनको आप सेल करके आगे प्रॉफिट कमा सकते हैं। वही अगर आप लोगों ने थोड़ी बड़ी मशीन ली हुई है 10 से 15 हजार रुपए वाली, तो फिर 21 दिन के बाद आपको 200, 250, 500 चूजे मिल सकते हैं। वो अब आपकी कैपेसिटी पे है कि आपने कितनी बड़ी मशीन ली हुई है। ठीक है, तो ये फायदा है। अगर आपका एक चूजे के अगेंस्ट आपके 20 रुपए बचते हैं, इट मीन्स के आपके 35 से 40 चूजों से आपको तकरीबन 7-8 रुपये बच जाएगा। ठीक है, वही अगर आपके जो चूजे हैं वो 250-300 होते हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे वो फिर बात हजारों में भी जा सकती है। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपने जो अंडे रखने हैं ये नॉर्मल अंडे गोल्डन मिस्री के या शेवर मुर्गियों वाले नहीं रखने। अगर वो रखेंगे तो फिर आपको फायदा ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होगा, वही हुआ कि 100-200 रुपया मुनाफा हो गया 21 दिन के बाद। तो वो बात तो यही है कि आपका बैलेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होगा कि आप खुश हो सके। तो फिर करना क्या है, जो कि थंबनेल पर भी था कि आप लोग हजारों लाखों कमा सकते हैं, तो वो कैसे कमाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने करना यह है कि जो एग्स रखनी है वो आप लोगों ने फैंसी हैंड्स के एग रखने हैं, लाइक एशलॉट हो गया, वेंटर हो गया। इसके अलावा बहुत से और फैंसी मुर्गियां हैं जिनके आप एग्स रख सकते हैं। अब उसका फायदा क्या होगा कि वो अगर आप लोग लाइक आप एशलॉट के अंडे लाते हैं, तो वो आपको 40-50 रुपए का अंडा मिल जाएगा। अब ये भी है मार्केटिंग का काम, आप लोगों ने उन लोगों से एग्स लेनी है। पहले आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से रब्ता कर लेना है, फिर उनका रेट देख लें कि किन बंदों का रेट जो है वो अच्छा है, और कौन से बंदे जो है फर्टाइल एग्स दे रहे हैं। ये थोड़ा सा काम स्टार्टिंग में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल ही आप घर बैठे आप कहें कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, घर बैठ के ही कर रहे हैं काम ये। आप इंटरनेट के थ्रू, आप फेसबुक से या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग रब्ता कर सकते हैं। घर बैठे काम करना है, लेकिन हाथ तो हिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कम से कम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कहें कि बिल्कुल ही हम सोए रहे और हमारे पास प्रॉफिट आता है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें आप लोगों को ढूंढनी है। उसके बाद अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा आपके एग्ज आ जाते हैं, 40-50 रुपए का एक एग्ज आपको मिल जाता है, तो फिर आप अगर ये एग ले आते हैं, तो सपोज किया आपने वो छोटी एक मशीन लाई हुई है, उसमें 40 एग है, तो 40 चूजे अगर आपके 20 दिन के बाद निकल आते हैं, देन आप लोगों ने उन चूजों को अगर आप वहां उसी वक्त सेल करते हैं, तो वो आपके तकरीबन 200-250 के सेल हो सकते हैं। अब इसमें भी मुख्तलिफ फिर मार्केट की बात आ जाएगी कि आप लोगों ने सेल कहाँ पर करनी है। 150 के भी सेल हो जाते हैं, 200 के भी सेल हो जाते हैं, 250 तक सेल हो सकते हैं, लेकिन चलो एवरेज आप लगा लेते हैं 150-200 के करीब आपके सेल हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा ये करना है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें कि उन चूजों को जस्ट 1 महीने के लिए अपने पास रख लें। आप ये देख लें कि आपके 100 चूजे हैं, वो बहुत हुआ तो आपके महीने तक जो जगह कंज्यूम करेंगे ना, वो आपकी जगह रिक्वायर्ड होगी जस्ट तकरीबन 5x5 फीट अगर आपकी जगह हो तो वो इनफ है जस्ट मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद ऐसा अगर कोई जगह ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, लेकिन 4x4 या 5x5 फीट जगह हो तो वो 1 माह के चूजे के लिए इनफ है। 1 माह का चूजा जो है ना, वो आपका तकरीबन 500 से 600 के दरमियान आपका एक चूजा जो है वो सेल हो सकता है इजीली। रेट इनके आप डाउन होते रहते हैं, लेकिन अभी तक का जो रेट है वो यही चल रहा है, और इस रेट पे सेल हो जाते हैं। आपको फेसबुक पे इस तरह के मुख्तलिफ ऐड भी मिल जाएंगे, तो आप भी इस तरह की ऐड आगे चला सकते हैं, और वहां से आपको फायदा होगा। मीन्स कि आपने 50 रुपए का एक चूजा लाया था, उसके बाद आपने 1 महीना रखना है, लेकिन 1 महीने में चूजा जो है बहुत ज्यादा बाजरा वगैरह नहीं खाता, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको वहां पे खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा बाजरे के अलावा मुख्तलिफ और आप लोग इसके लिए सब्जियां यूज कर सकते हैं, घर में जो रोटी पकी हुई है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। वो डिटेल मैंने बात की हुई है, वो यहाँ पे आपको कार्ड आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो डिटेल में आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। वहां पे मैं डिटेल के साथ बताया हुआ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो वहां पे आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, और कैसे ये जो फीड का खर्चा है ये कम से कम कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे उस मशीन की, उस मशीन को आप लोगों ने रखना कहाँ पे। अब उस मशीन को किसी भी जगह, आप कोई सेफ जगह हो जहां पे आप रख सकते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा छेड़ खानी ना हो, अपने कमरे के किसी कोने में भी आप लोग रख सकते हैं, कोई ऐसे स्मेल नहीं होती जिस वजह से आपको कोई टेंशन हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रखे कोई स्मेल नहीं होती, जब चूजा निकलेगा तो चूजे की थोड़ी बहुत स्मेल हो सकती है, लेकिन फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
कुछ थोड़ी देर के लिए चूजा वहां पे आपको मशीन के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि जब अंडे से निकलता है तो बिल्कुल गीला होता है, थोड़ी देर वहां पे वो रहेगा। सम टाइम ये है कि अगर कुछ बीमार सा हो या तो फिर थोड़ी देर उसको एक आध दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत हुआ तो 3-4 घंटे वहां पे रहता है चूजा, तो वो सेट हो जाता है, फिर वहां पे वो एक्टिव आपको वहां पे कुछ लगता स्टार्ट रहता है, तो फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात है जब वहां पे ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब कोई अंडा आपको बहुत ज्यादा गंदा नजर आए, आपको अंदर से फुल हुआ हुआ है लेकिन वो फट नहीं रहा, लेकिन वो जब बाकी चीजें आप जब ये काम इस काम में पड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे पता रखता है कि एक अंडा गंदा हो चुका है। तो कोई अंडा अगर गंदा हो चुका है तो फिर उसको आप पहले से बाहर निकाल लें, अगर वो मशीन के अंदर ही पड़ा रहेगा 21-22 दिन अगर वो पड़ा रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंडा जो है मशीन के अंदर ही फट जाएगा, और जब फटता है अंडा तो फिर वो वहां पे मशीन के अंदर जो है बदबू बहुत ज्यादा हो जाती है, खराब अंडे की बदबू आप लोग मैं भी आपने कहीं ना कहीं आपको पता ही हो, तो वो क्योंकि फिर 21-22 दिन वहां पे मशीन के अंदर पड़ा रहता है, वहां पे उसका टेम्परेचर भी मिलता रहता है, तो वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है होता है, तो वो अगर मशीन के अंदर खुदा ना खास्ता फट गया तो फिर वहां पे बदबू बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर वो है ना वहां पर सफाई करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा एहतियात जो है वो आपको एक आदमी करनी है, बाकी वहां पे ऐसा कोई टेंशन का काम नहीं है, ये जस्ट आपका पार्ट टाइम, क्या पार्ट टाइम से भी आप समझने के इजी है, जस्ट आपका जो स्टार्टिंग में आपने जस्ट जब अंडे लगाने हैं तो वो 10 मिनट का काम है, उसके बाद 21 दिन बिल्कुल बेखौफ होकर आप लोग आराम से गुजारे, कोई और काम करें 21 दिन के बाद ये आपको घर बैठे आराम से प्रॉफिट समझ ले एक दफा आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आएगा उस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा, उसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसी वक्त पता लग जाएगा और आप उसी वक्त वो वीडियो देख भी सकते हैं, तो इस तरह की अगर मैं वीडियो मुख्तलिफ, ये तो जैसे पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज है पोल्ट्री फार्म जो मेरा अपना है वहां पे वीडियो अपलोड करता है, तो वहां से आप लोग सीख भी सकते हैं कि आप लोगों ने काम कैसे करना है, के अलावा बहुत सारी और YouTube पे काम कैसे करना है, आप लोगों ने Facebook पे कैसे काम करना है, मोस्टली ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन बिजनेस के बारे में बताता रहता हूँ, तो कोई ना कोई मे भी आइडिया आपको पसंद आ जाए वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ये फ्री वाला काम भी मे भी आपको कभी ना कभी पैसे दे जाए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट शो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।